नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर भी हूँ, रत्न विशेषज्ञ भी हूँ। बात करते हैं मेष राशि के मई महीने की। कैसा रहने वाला है मई का महीना मेष राशि वालों के लिए? देखिए, आपके लिए महीने की जो शुरुआत हो रही है वो कुछ अच्छा लेकर आ रही है, यानी कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है। आप कहीं ना कहीं जिज्ञासा आप में रहेगी कुछ सीखने की, कुछ नयापन करने की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, वो अपने काम का, अपने समय का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मुझे दिखाई देता है कि वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। यदि कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग नई से नई चीज़ें सीखते हुए मुझे दिखाई देते हैं और उनको कोई ना कोई शुभ समाचार आएगा। कुछ लोग मई राशि के ऐसे हैं जो लोग कुछ समय से इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी मिलने का, कोई शुभ समय का कि हमारा इंटरव्यू का समय कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। कुछ नया जो करना चाहते थे, कुछ नया अपने जॉब को लेकर बदलना चाहते थे, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए शुभ समाचार आता हुआ मुझे नज़र आता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप अपनी मानसिक स्थिति को सही रखिए, शांत रखिए। मेडिटेशन आपको करना अनिवार्य है ताकि आप अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिए। इस महीने आपका समय तो ठीक है, लेकिन कहीं हद तक आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ये गुस्सा ही आपकी कई चीज़ों की बाधा बन सकता है, तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। बीपी का खासा ख्याल रखना है। इस महीने आपका बीपी भी बढ़ सकता है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। इस समय पर आपकी काबिलियत का जो बल है वो आप दिखाएंगे, आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे, आप अपने अंदर का हुनर भी दिखाएंगे। मुझे ऐसे दिखाई देता है 6 और 7 को किसी अधिकारी से या किसी पुलिस वाले से, किसी कुछ इस तरीके का अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी होता है, उससे बिना वजह का झगड़ा हो सकता है। तो आप इस चीज़ को कंट्रोल रखिए और बिना वजह किसी से झगड़ा ना कीजिए। यह आपको कहीं हद तक थोड़ी सी टेंशन देके जा सकता है, कुछ नुकसान पैसे को लेकर भी हो सकता है, तो इसका खासा ख्याल रखिए 6 और 7 को। बात करते हैं वाहन चलाते समय आपको खासी सावधानी का इस्तेमाल करना है, तेज वाहन ना चलाएं। जहां तक मुझे लगता है कि 18 से 20-25 साल तक के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वाहन आप बहुत धीमी गति से चलाएं। अगर रोड खाली भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूटर को, गाड़ियों को तेज़ भगाएं। आप वाहन से खासा ध्यान रख सकते हैं, कहीं छोटी सी चोट चपेट आपको लग सकती है। तो ये रहा मेष राशि वालों के लिए संक्षिप्त में महीने का राशिफल। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी डेट की जो शुभ होती हैं, जिन डेट्स पर आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। नया वाहन खरीदना है वो खरीद सकते हैं, कहीं जगह इंटरव्यू के लिए जाना है वो जा सकते हैं, कोई भी शुभ काम, खरीदारी करनी है, कुछ नयापन लेकर आना है वो आप कर सकते हैं। वो डेट कौन सी है मई महीने की मेष राशि वालों के लिए? 13, 14, 17, 18, 19, 22 और 23। ये डेट्स ऐसी हैं जो आपके लिए शुभ रहेंगी, और कुछ डेट ऐसी जो आपको फेवर नहीं करेंगी, कुछ डेट ऐसी जो को आपको फेवर नहीं करेंगी। और साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन डेट्स को जो भी काम आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा। वो डेट कौन सी है? 6, 7, 8, 12, 16, 17, 25 और 26। ये डेट ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जो भी आप ज़रूरी काम कर रहे हैं। अब एक उपाय हम आपको देते हैं मेष राशि वालों को, कि कोई एक ऐसा उपाय जो आप करें। देखिए, हनुमान जी की आराधना आप कीजिए, जो आपको सारे संकटों से मुक्ति देगी। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप मंदिर में जाके हनुमान जी को लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। तो ये रहा मेष राशि वालों के लिए मई महीने का राशिफल। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। यदि पहली बार आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप मेरे इन नंबरों पर जो फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिर मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।